हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 7th क्लास की हनीकॉम बुक में से चैप्टर 1 की पोयम द स्क्वायरल पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। व्हाट डिड इट लुक लाइक? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। तो आपने कभी, हो सकता है कि कहीं ज़मीन पर बैठे हुए एक गिलहरी को देखा हो नट्स खाते हुए, ठीक है। तो इस पोयम के अंदर कवि अपने शब्दों में एक गिलहरी का वर्णन कर रहा है, गिलहरी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ही वोर क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रन अराउंड हिस्ट्री ही वेंट द अदर वे, ठीक है। तो इसके पोएट का नाम है मिल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं एक गिलहरी का, ठीक है। ये कहते हैं कि गिलहरी की जो पूंछ होती है वो इस तरह से घूमी हुई होती है कि वो जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि प्रश्न चिन्ह की तरह आकृति बनी होती है, ठीक है। और जो उसके जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं गिलहरी के, वो ग्रे कलर के होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ग्रे कलर का एक कोट पहने, ओवर कोट पहने हुए है, ठीक है। और वो सीधी बैठ के पेड़ पे या फिर ज़मीन पे नट्स खाती है। नट्स मतलब यहाँ पे अखरोट, मूंगफली वगैरह इस टाइप के नट्स खाती है, ठीक है। उसको खेलना बहुत पसंद होता है ना, पोएट को बच्चों के साथ और ये गिलहरी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो जब भी पोएट कहते हैं, जब भी भाग के उनके पेड़ के पास जाओ तो वो गिलहरी क्या करती है, वो भाग जाती है और छिप जाती है पेड़ के दूसरी साइड में जाके, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे साथ खेल रही हो, हमें चिढ़ा रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कवि मिल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने यहाँ पे गिलहरी के बारे में हमें बताया है, ठीक है। ये पोयम यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।